नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस प्राणायाम के बारे में जिसे करने से आपका दिमाग चुस्त हो जाएगा। इसे करने के लिए दोनों नासिका रंध्रों से हवा अंदर लें, थोड़ी को छाती से लगाएं, अर्थात जालंधर बंद करें, शक्ति भर हवा को अंदर रोक रखें। लगेगा कि सिर में चक्कर आ रहा है, तब नासिका रंध्रों से हवा को बाहर छोड़ दें, आंखें मूंदी रहें। ये कठिन क्रिया है, आरंभ में विशेषज्ञों के सक्षम उनकी सलाह लेकर ये क्रिया करें। इस क्रिया से मस्तिष्क को शांति मिलती है, उसमें चुस्ती आ जाती है। पागलपन से या मानसिक व्याधि से पीड़ित लोग ये क्रिया ना करें। मैदान, बाग या खुले दरवाजे वाले कमरे में कंबल या साफ कपड़े या किसी आसन पर बैठकर ही ये प्राणायाम करना चाहिए। तेजी से चलने वाली हवा के बीच प्राणायाम ना करें। गंदी जगह, बदबूदार जगह, जहां धूल उड़ रही हो या धुआं आ रहा हो, वहां भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सिगरेट या बीड़ी के धुएं में भी ये क्रिया ना करें। जब पेट खूब भरा हुआ हो तब भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम के पूर्व या प्राणायाम के बाद भी अन्य योगासन कर सकते हैं। अंत में शवासन कर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय कपड़े कम पहनने चाहिए, जो कपड़े पहने वो ढीले हों। कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन तथा सिर को सीधा रखकर प्राणायाम करना चाहिए। ये प्राणायाम करते समय एक बार दाई नासिका रंध्र को और एक बार बायां नासिका रंध्र बंद करना पड़ता है। प्राणायाम की क्रियाएं करते समय मन को पूर्ण रूप से श्वास और प्रश्वास की क्रियाओं पर ही केंद्रित करना चाहिए। अन्य विचारों को मौका नहीं देना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।